हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स सो एज यू कैन सी एंड आई थिंक इट विल बी वेरी मच क्लियर विद द नेम इट्स की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो होते हैं जिसमें हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं सो so बेसिकली जब हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी को हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं तो हम समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव कैसे निकलते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड बेसिक टाइप्स जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव जब हमें फाइंड करना होता है तो बेसिक तीन टाइप्स जो होते हैं उन तीन टाइप्स के ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो वो तीन टाइप भी हम कवर करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो समझेंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे क्या होते हैं और कैसे हम उनको निकालते हैं तो बेसिकली आपको पता होगा कि वाई जो होता है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स ये तो आप लास्ट वीडियोस में जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे डेरिवेटिव्स निकालते थे तो आपको समझ ही आ गया होगा कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन और एक फंक्शन गिवन है तब हम जब इसका डेरिवेटिव निकालते थे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते थे और हम क्या करते थे हम जस्ट फंक्शन या जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होता था उसका हम डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसको हम एफ डैश एक्स भी लिखते थे आपको बहुत अच्छे से पता होगा तो ये होता था हमारा इसको हम बेसिकली बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर अब हमें सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है उसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करते हैं जैसे कि हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएट हुआ था फर्स्ट और डेरिवेटिव निकला था हमें उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है क्या मतलब जो हमारा डी एक्स निकला था हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जो हमारी इसमें एक्सप्रेशन होती है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज डी टू वाई बाय डी एक्स टू और जो हमारा डी एफ डैश एक्स का डिफरें डिफ्रेंसिएशन निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको एज हम एफ डबल डैश एक्स भी बोलते हैं तो ये हमारा जो सेकेंड डेरेवेटिव निकला है जब हमने सेकेंड टाइम डेरेवेटिव निकाला तो ये होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव हमने जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझा था जब हमने डिफ्रेंसिएशन का बेसिक समझा था और उसकी रिप्रेजेंटेशन समझी थी तो कुछ हमारी रिप्रेजेंटेशन करने का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जैसे किसी भी डेरिवेटिव का हमारे कुछ तरीके होते थे जैसे कि हमने पहला समझा कि हम डी वाई बाय डीएक्स लिखते थे तो आपको पता होगा कि हम इसको एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई डैश भी करते थे याद है तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y डैश की तरह रिप्रेजेंट करें तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एस वाई डबल डैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर y डैश की जगह हम y1 भी लिखते थे कि हम y जो हमारा फंक्शन है उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका मतलब ये है y1 का तो अगर हम y अपने फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसको हम एज y2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये कुछ हमारी रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके होते हैं कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव को एज डी टू वाई बाय डी एक्स टू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं y2 भी कर सकते हैं y डबल डैश भी कर सकते हैं या एफ डैश एक्स भी कर सकते हैं f डबल डैश एक्स भी कर सकते हैं ओके okay? तो so, ये हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन के तरीके समझे कि हम सेकेंड ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब हम बेसिक तीन टाइप्स पढ़ते हैं कि हमारे क्या क्या तीन टाइप्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं ओके okay, तो हम पहला पढ़ते हैं टाइप वन टाइप वन के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं टाइप वन क्वेश्चंस, टाइप वन क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं कि हमें फाइंड करना होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बहुत सिंपल है हमें सिंग uh, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया होता है कि हमें फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन या फॉलोइंग एक्सप्रेशन हमें कुछ फंक्शन गिवन होंगे उसके सिंपली हमें सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव निकालना है तो हम दो तीन एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं ये पहला हमें जैसे कि फंक्शन गिवन है लेट से एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले क्या हमने ये जो एक फंक्शन गिवन है इसको हमने लेट कर लिया कि ये y है तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सिक्सटीन तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हम लिखेंगे एज डी बाय डीएक्स डीवाई बाई डीएक्स क्या आएगा हमारा 2x एक्स प्लस टेन अब हमारा डीवाई बाई डी मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो दोबारा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा हमारा डी टू वाई बाय डी ये हमारा क्या आएगा 2 का रिप्रेजेंट टू और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और टेन्थ कॉन्स्टेंट तो, तो आएगा ही नहीं तो ये आया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारा फंक्शन हमने लिया था सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि वाई है हमारा ई e की पावर एक्स साइन फाइव एक्स लेट से ठीक है अब हमें इसका हमें निकालना है डिफरेंशिएट सेकेंड ऑर्डर तो हम पहला निकालते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो हमारा डी वाई बाय डी एक्स क्या निकलेगा ये एज ए प्रोडक्ट रूल लगेगा हमें दो फंक्शन के बना यू की फॉर्म में तो पहले का डेरिवेटिव निकालेंगे ई टू दी पार एक्स का डेरिवेटिव डेरेवेटिवी पार एक्स साइन फाइव एक्स एज इट इज लिख देंगे प्लस फर्स्ट फंक्शन को भी हम एज इट इज लिख देंगे e की पावर एक्स साइन फाइव एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन फाइव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन का होगा कॉस फाइव एक्स और फिर फाइव एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एज अ चेन रूल करके इंटू फाइव तो हमारा डीवाई में डी एक्स आए ई e की पावर एक्स साइन फाइव एक्स प्लस ई e की पावर एक्स फाइव ई e की पावर एक्स कॉस फाइव एक्स तो अब हम क्या करते हैं हम e ई की पावर एक्स जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं तो ई e की पावर एक्स साइन फाइव एक्स प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स तो ये आया हमारा डीवाई बाई डी एक्स या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स की टर्म में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आएगा हमारा वही बारह प्रोडक्ट ट्रू लगाएंगे इस बार प्रोडक्ट ट्रू जब हम लगा रहे हैं तब इस केस में हमारा ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा हमारा सेकेंड फंक्शन यू ये है हमारा u और ये है हमारा तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं तो पहले का डिफ्रेंसिएशन ई रेस्टूडि पार एक्स का ई रेस्टूडि पार एक्स सेकेंड फंक्शन आंसर लिख दो साइन फाइव एक्स प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस फर्स्ट का एज इट इज लिख दो e की पावर एक्स अब सेकंड का निकालते हैं साइन फाइव एक्स का क्या होगा साइन फाइव एक्स का होगा हमारा कॉस फाइव एक्स और फाइव एक्स का डेरिवेटिव एज फाइव प्लस अब इसका करेंगे फाइव को एज इट इज लिख दो कॉस फाइव एक्स का हमारा माइनस साइन फाइव एक्स और इंटू फाइव ठीक है अब हम हाँ देखो हमें इसको इसमें भी हमारा e की पावर x कॉमन आ रहा है तो इसको भी हम ब्रैकेट के साथ पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं और e की पावर x को भी सीधा कॉमन ले लेते हैं तो e की पावर x कॉमन लिया साइन 5x एक्स प्लस फाइव कॉस फाइव एक्स एज इट इज लिखा प्लस यहाँ पे भी हमारा 5 कॉस 5x आएगा 5 कॉस 5x और यहां क्या आएगा हमारा माइनस है तो माइनस लिखो फाइव इंटू करेंगे ट्वेंटी फाइव ठीक है ये हुआ अब लास्ट है ये e की पावर x साइन फाइव कॉस फाइव एक्स और फाइव कॉस फाइव एक्स प्लस है तो इसको हम प्लस कर देते हैं तो टेन कॉस फाइव एक्स आ जाएगा और यहाँ साइन फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव साइन फाइव एक्स है तो ट्वेंटी फोर साइन फाइव एक्स आ जाएगा तो ये हमारा हमारा आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसमें आप देख रहे हो टू कॉमन है तो आप टू को बाहर ले जाओ तो आपका हो जाएगा टू ई की टू ई की पावर एक्स और यहाँ टेन की जगह आ जाएगा फाइव और यहाँ हो जाएगा ट्वेल्व तो ये आपका आ गया डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे इस फंक्शन का ठीक है तो ये फर्स्ट टाइप था फर्स्ट टाइप बहुत इजी है हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पूछा जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने फंक्शंस का जो गिवन होंगे टाइप टू देखते हैं हम टाइप टू क्वेश्चंस में क्या होता है टाइप टू क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे वो हमारे सिंपली प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं हमें प्रूफ करना होता है क्या कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें क्या होगा हमें सिंपली गिवन होगा हमें वाई निकालना है हमें वाई निकालना है हमें वाई निकालना होता है और हमें शो करना होता है या प्रूफ करना होता है कि जो हमें गिवन है उसका बस हमें डायरेक्टली प्रूफ करना है जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेती हूं हमें गिवन है कि इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हमें ये शो करना है ठीक है तो अब करते हैं सब सबसे पहले हमें यह बना है हमें वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है हमें ये शो करना है ना तो हमें एल एच एस को इक्वल टू जीरो प्रूव करना है तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ठीक है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे डीवाई वी एक्स क्या होगा सिंपली आपको पता है साइन इनवर्स एक्स हमारा स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मुल हमने पढ़े थे उसमें हमें पता ही चल गया था साइन इनवर्स एक्स होता है हमारा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वे ठीक है इसे हमने जैसे वन ले लिया ठीक है अब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका डी टू वाय बाई डी एक्स टू क्या आएगा डी टू बास टू ये आपका अगर आप इसको एज कंसिडर करो वन अपॉन अंडर रूट एक्स तो आपको पता है ये वन अपॉइन्ट टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया अब अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालना है तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो होगा और माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्सक्वायर आपकी एक्स की पावर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस टू एक्स टू से टू कैंसिल कर दो तो आया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये आया आपका टू तो सिंपली पुट कर दो वन एंड टू इन ए तो आपको एल एच एस निकालनी है तो हम सबसे पहले एलएचएस कंसिडर करते हैं एल एच एस की हमारी वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई डी एक्स ठीक है तो अब इसकी जगह पुट कर दो जो हमारे वन और टू निकले हैं तो क्या आया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डीवाई बाई डी एक्स सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स है ये माइनस एक्स और माइनस एक्स अपॉन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है अब यहां देखो यहां पे आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है अंडर रूट को हाफ भी लिख सकते हो तो अब आपको जब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करोगे तो कैसे होता है जब डिवाइड में हो और बेस हमारा सेम हो तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होती है माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायेर अंडर रूट है हाफ है माइनस हाफ है ना तो माइनस आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ठीक है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क् माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो क्या आया एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्सक्वाइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस तो ये तो सेम है और माइनस हो रहे हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो जो आपके आरएचएस के इक्वल है तो हेंस प्रूफ एल एच एस जो है आरएचएस के इक्वल है ठीक है अब लास्ट टाइप टाइप थ्री देखते हैं टाइप थ्री क्वेश्चन जो होते हैं आपके टाइप थ्री क्वेश्चन जो है वो इतने पेपर में फ्रीक्वेंटली आते नहीं है लेकिन मैं बोलूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ये ये हमारे बेसिकली कवर करते हैं पैरा मेट्रिक फंक्शन को किसको कवर करते हैं मेट्रिक फंक्शन को आई होप आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में पैरा मेट्रिक फंक्शन के सारे एनसीआर के क्वेश्चन सोल्व किए थे और उसमें बेसिकली हमें गिवन होता है एक्स और वाई गिवन होता है लेकिन उनका डायरेक्ट कोई कनेक्शन या डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता वो एक ही हमें कनेक्टेड नहीं है वो एक ही एक्सप्रेशन में हमें गिवन नहीं होता है आपको याद होगा इन केसेस में पैरामीट्रिक फंक्शंस में हमें एक न्यू पैरामीटर और यू कैन से अ न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस होता है जो हमारे एक्स और वाई को कनेक्ट करता है तो हम क्या करते थे हम एक्स और वाई का डिफ्रेंसिएशन उस म्यूचुअल पैरामीटर में निकालते थे विद रिस्पेक्ट में और उसके बाद हम उससे डीवाई में निकाल लेते थे, थे। इन टाइप थ्री क्वेश्चन में यही सिमिलर है आपको कुछ दो पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन होंगे आपको बट निकालना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव मतलब डी टू वाई बाय डी एक्स टू ना कि डी वाई बाय डी एक्स तो क्या करना है हमें जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं हमें गिवन है एक क्वेश्चन है हमें गिवन है एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा और वाई की वैल्यू है बी साइन थीटा तो आपको क्या निकालना है आपको निकालना है डी टू वाई बाय डी एक्स टू तो आपको पता ही है जब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हम डायरेक्टली y या x के एक्सप्रेशन से ऑर्डर डेरिवेटिव में जंप नहीं कर सकते हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है दो बार डेरिवेटिव निकालना तो पहली बार डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा तो आपको याद है कि हमें डीवाई बाई कैसे निकालते हैं हम सबसे पहले डीएक्स बाय एक्स और वाई का विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल पैरामीटर दैट इज थीटा निकालते हैं तो डीएक्स बाय डी थीटा वो आपका ए माइनस ए साइन थीटा और डीवाई बाय डी थीटा वो आपका बी theta ठीक है अब जब ये निकल गया हमारा तो आपको पता होगा कि डीवाई बाय डीएक्स होता था हमारा डीवाई बाय डी थीटा अपॉन डीएक्स बाय डी थीटा ठीक है तो अब इसके में हम निकाल देते हैं तो डीवाई बाय डीएक्स आया आपका डीवाई बाय डी थीटा है बी कॉस्टा और डीएक्स बाय डी थीटा आपका माइनस ए साइन थीटा तो माइनस बी बाय ए लिख दो पता ही है कॉर्ट थीटा होता है तो माइनस बी अपॉन ए कॉर्ट थीटा ये आया आपका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब आपको निकालना है डी टू डेरिवेटिव निकालना है अब अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने निकाल दिया विद द यूज ऑफ म्यूचुअल पैरामीटर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या आप थीटा का यूज करोगे नहीं आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के टर्म में तो आप सिंपली क्या करो जो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है तो आप लिखो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको एक्स के टर्म में करना है तभी तो आपको डी टू वाई बाई डीएक्स टू आएगा तो डी टू वाय बाय डी एक्स टू क्या होगा आपका निकालो माइनस बी बाय ए कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखेंगे थीटा का डेरिवेटिव आपका होता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर थीटा उसके बाद आपको x की टर्म में निकालना है तो आपको दोबारा थीटा को भी x की टर्म में डिफ्रेंशिएट करना होगा तो d थीटा बाय डी एक्स थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ये मिस कर जाते हैं वो थीटा का निकाल देते हैं माइनस कोसे थीटा और ये डायरेक्टली लिख देते हैं लेकिन नहीं ये गलत है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो थीटा का भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ठीक है अब आपका ये निकला अब आप बताओ अब डी थीटा बाय डी एक्स कैसे होगा आप दोबारा निकालोगे क्या नहीं यहां देखो आपको गिवन है डीएक्स बाय डी थीटा डीएक्स बाय डी थीटा आपका माइनस ए साइन थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा आपका बस इसका रेसिप्रोकल होगा तो पुट कर दो माइनस बी बाय ए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस ही हो जाएगा को स्क्वायर थीटा अपॉन वन अपॉन माइनस ए साइन थीटा ठीक है तो माइनस आ गया तो लिख दो माइनस बी बाय ए ए डिनोमिनेटर में दो है तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी बाय ए स्क्वायर और साइन थीटा जो होता है आपको पता है वन अपॉन कोसेक थीटा होता है तो वन अपॉन साइन थीटा को आप कोसेक थीटा लिख दोगे और कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक क्यूब थीटा बन जाएगा तो कोसेक क्यूब थीटा तो यह है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपको क्लियर हो जाएगा बस आपको क्या करना है थीटा के साथ में आपको थीटा का भी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है क्योंकि हम निकाल एटली फाइनली एक्स के टर्म्स में रहे हैं डिफ्रेंसिएशन तो आप थीटा तक नहीं छोड़ सकते थीटा का भी एक्स पे करना ही होगा सो आई होप आपको ये तीनों टाइप्स क्लियर हो इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू Please don't forget to subscribe to the channel in case you haven't done it yet and like the video. Thank you.